चलिए आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं इस वक्त, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास सीधे चलते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। जी जी रजनी, उत्तराखंड में पांचों सीटों पर बीजेपी दमदार बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और पूरे देश में 350 का आंकड़ा भी पार कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम साहब, पहले तो आपको बधाई, आप प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मानते हैं कि जनता ने अपना पूरा जो वोट है वो आपको दिया है? देखिए, मुद्दे तो इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे सामने थे और उन मुद्दों के साथ साथ जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं 55-60 महीने की, चाहे गरीबों की कल्याण की योजनाएं रही होंगी, महिलाओं के कल्याण को लेकर के रही होंगी या युवाओं के कल्याण को लेकर के रही होंगी, उन तमाम योजनाओं पर देश की जनता ने मुहर लगाई है। ये सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने किया, उन सब का एक सम्मिलित परिणाम है। सीएम साहब, दो साल जब चुनाव का जैसे माहौल शुरू हुआ, मार्च में आपकी भी सरकार के दो साल पूरे हो गए थे, एक ये बात भी चल रही थी कि एक आपकी भी परीक्षा है, क्योंकि पांच सीटें और जो हमने ट्रेंड देखा उत्तराखंड बनने के बाद, पांचों सीटें या तो एक मुश्त भाजपा को गई या कांग्रेस को गई जो पिछली बार आपकी थी। इस बार ये जो ट्रेंड के अनुसार कांग्रेस का इस बार पाँच सीट का, लेकिन दो साल का जो आपके काम का कितना महत्ता जो जनता ने उनको स्वीकारा है और जो आपने योजनाएँ केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुँचाया है? देखिए, दो वर्ष में हमने प्रयास किया कि हमने जनता के साथ जो वायदे किए हैं उन वायदों को हम निभाएं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही होगी, हमने तमाम माफिया हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, उनका प्रवेश बंद किया है। साथ ही जो राज्य सरकार, जो मैंने कहा कि जो हमने वायदे किए, जो डेवलपमेंट के हमने वायदे किए, वो विकास का जो वायदा हमने प्रदेश की जनता से, उसको हमने निभाया। मैं समझता हूँ कि उसका भी एक परिणाम है कि जो भारी बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो जनता ने राज्य की सरकार पर भी एक तरह से मुहर लगाने का। सब हरीश रावत जी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि मोदी के नाम पर वोट लिया है, आपको भी उसमें सीधे तौर पर उन्होंने प्रहार किया था, उसके बाद आपने उसका जवाब भी दिया था, क्या मान रहे हैं, मोदी फैक्टर आपकी योजनाएं या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दो साल का कार्यकाल? नहीं, देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था, तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होते हैं। और जब सरकार हो तो जो केंद्र की सरकार है उसका कामकाज एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। सीएम साहब, अगर मैं इन अगले पाँच सालों की बात करूँ तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार से किन बातों को लेकर सबसे पहले अपने मांग उठाएंगे? ग्रीन बोनस, स्पेशल पैकेज, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? कि ग्रीन बोनस भी एक इशू है, लेकिन ग्रीन बोनस ही सब कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ इस राज्य को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने पैरों पर राज्य खड़ा हो, और उसके लिए इस राज्य में जो पर्यटन है, जो सर्विस सेक्टर है, वो कैसे बढ़ सकता है, और उसके लिए हमारी योजनाएं बनी हैं, हम उसी में भारत सरकार। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अजय भट्ट को लेकर मिथक था कि जब भी वो जीतते हैं तमाम मिथक टूटे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अजय भट्ट को लेकर कोई मिथक नहीं था, रानीखेत विधानसभा को लेकर ही मिथक था, और हमने कहा था तमाम मिथक टूटेंगे। आप जहां पर बैठे हैं, यहां भी कोई मुख्यमंत्री टिकता नहीं था, रहता नहीं था, तो भी मिथक टूटा है, तो तमाम मिथक तोड़ने का काम हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जीत जो मोदी सरकार की नीतियाँ थी उसकी जीत रही है, और राष्ट्र जो